सबसे जरूरी बात वो ये कि जो समझने की है वो ये कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं एक शानदार आखरत बनाने के लिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक शानदार आखरत बनाने के लिए। जो इस नियत से दुनिया में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया उसकी खुद बनाते हैं। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। वो अपने आप को नहीं बना सकता तो बाकी दुनिया क्या बनाएगा? ठीक है, मैं चाहूं कि मैं मेरी जवानी कभी बुढ़ापे की तरफ ना जाए, ये हो नहीं सकता। मेरा अपने ऊपर तो जोर चलता नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी से आया, ना अपनी मर्जी से रह रहा हूं, और ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाऊंगा। ये कैसी दुनिया है कि इसकी कोई भी चीज मेरे काबू में नहीं है। आप यहां रहते हैं, मैं कराची में रहता हूं, कोई लाहौर में रहता है, कोई पिंडी में रहता है, और आपको पता है कि यहां आप अपनी मर्जी से नहीं आए हुए। ये भी बड़ी अजीब बात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं पांच चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इसके बारे में जो बात कर रहा है सब गलत कर रहा है। पांच चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साआ, अल्लाह कहते हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश ने कब कहां और कितना बरसना है कोई नहीं जानता। रिज्क किसके पास कितना पहुंचेगा अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के रहम में ये तो मालूम कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ये नहीं मालूम कर सकते कितना जिएगा, कितना कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा, बद होगा, फरमा बरदार होगा, नाफरमान होगा, अल्लाह फरमाते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह फरमा रहे वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता, इंसानों को छोड़ो कीड़े मकौड़े भी ये नहीं जानते कि कल उनको उनका रिज्क कहाँ से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना यहाँ बैठ के खाऊंगा, कोई आइडिया नहीं, अल्लाह कहते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह कह रहे हैं पांचवीं चीज वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी और कहां आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलकुल मौत से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी दोस्ती थी, तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अक्सर आया करते थे। तो एक दिन दरबार में आए तो एक आदमी को बार बार देख रहे, वो घबरा गया, किसी को मलकुल मौत देखे उसकी वैसी जान निकल जाएगी कि ये मुझे, और वो भी बार बार देखे तो वैसे ही होश उड़ जाएंगे। तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जी मलकुल मौत मुझे बार बार देख रहे हैं, आप ऐसा करें मुझे तो हिंदुस्तान पहुंचा दें। तो उन्होंने जिन से कहा भी इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो, तो हिंदुस्तान पहुंचा दिया उनको। तो बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम इस आदमी को बार बार क्यों देख रहे थे? कहते मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे कहा कि इसकी जान हिंदुस्तान में निकालो, ये यहाँ खड़ा क्या कर रहा है। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता उसको उसकी मौत कल कहाँ आएगी। ये पांच चीजें कोई नहीं जानता। अब इन पांचों चीजों का बराह रास्त हमारी जिंदगी से ताल्लुक है। तो फिर ये कैसी जिंदगी है, ये कैसी दुनिया है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का बनना बिगड़ना ये इंसान के हाथ में नहीं रखा, इंसान के हाथ में नहीं रखा। और इख्तियार कितना दिया? हम कहते हैं ना भाई इंसान को इख्तियार है, भाई इख्तियार कितना दिया? इख्तियार इतना दिया, किसी ने हजरत अली करम अल्लाह वजू से पूछा कि हजरत ये मेरे पास दुनिया में कितना इख्तियार है? कहा एक टांग उठाओ अपनी। तो उसने अपनी एक टांग उठा ली, कहा जी दूसरी उठाओ, कहा जी वो नहीं उठा सकता, कहा बस इतना इख्तियार है तेरे पास, इंसान के पास इतना इख्तियार है। और जो इख्तियार है वो क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। इंसान के पास क्या इख्तियार है? अल्लाह ने इंसान वो वाहिद मखलूक है पूरी कायनात में जो अपनी जान के इस्तेमाल को भी जानती है और चीज़ों के इस्तेमाल को भी जानती है। इंसान के अलावा और किसी मखलूक को ये नहीं पता कि मैंने अपनी जान को कैसे इस्तेमाल करना है और चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। घोड़े को नहीं पता कि मैंने अपने आप को किस काम में लगाना है और मैंने बकरी का क्या इस्तेमाल करना है। बकरी को नहीं पता कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आई हूं, उसको कोई आइडिया नहीं है कि बिल्ली का मैंने क्या इस्तेमाल करना है। बिल्ली को नहीं पता मैं क्यों आई हूं, और बिल्ली को यह भी नहीं पता कि मैंने कुत्ते के साथ क्या करना है। ठीक है, इंसान वो वाहिद मखलूक है जो जिसको अल्लाह ने यह शऊर दिया, फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। उफ़ो मेरे दोस्तों, ये वो आयत है जिसको अल्लाह ने सात कस्में खाने के बाद बयान किया। सात कस्में खाई इस आयत को बयान करने से पहले। जैसे मैं कहूं मेरी बहन अल्लाह की कसम
رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، چھ قسمیں تو یہ کھائیں، پھر آخر میں فرمایا ونفس وما سواہا، اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا اور سفید کیا ہے، مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا ہے میں نے تجھے، الہام کیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. بےمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ، یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نہ میرا عورت ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہاں، وہ سامنے سے آئی، نظریں جھکا لیں، اب نظریں جھکا لیں اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے. پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم، ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے، تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے، مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے، اتنی اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی، میں آ رہا تھا نا ادھر، تو اب میرے سفر 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 میری بیوی تنگ آ گئی تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے مجھے جانے دو، تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا. تو پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں، اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پابند کرنا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا میڈیکل کالج کا تو ڈاکٹر بن گئے. وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا. صبح کہا 8 بجے پہنچنا ہے، 8 بجے پہنچ گئے. وہاں پر جس پیریڈ میں، جس کلاس میں، جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑھو، پڑھتے رہے. اس کے بعد 4-5 سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا، تو 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے. آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. تو دین، اور پھر کیا ہے، جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا. یہ سیدھی سی بات ہے.
तो दीन के नफे उठाने के लिए कि मैं दीन के नफे उठाऊं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके मैं नफे उठाऊं, उसके लिए पहले हमें उस अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा, उसी तरह से अल्लाह जैसे कह रहे हैं। जब वो पाबंद कर लेगा तो फिर उसके नफे उठाएगा, और जो जितना पाबंद कर लेगा उतना ही नफे उठाएगा। जैसे एक गज जमीन भी जमीन है और पूरी दुनिया भी जमीन है, जिसके पास एक गज जमीन है वो एक गज जमीन जितने फायदे उठाएगा, जिसके पास पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया के फायदे उठाएगा। तो जिसकी जिंदगी में जितना दीन है उसने दुनिया में नफे उठाने हैं, जिसकी दुनिया जिंदगी में जितना कम दीन है फिर क्या है, मसाइब उसको घेर लेते हैं, मसाइब उसको घेर लेते हैं, हालात उसको घेर लेते हैं। कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, ग्लासगो आ जाने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, ये कहीं अल्लाह का वादा नहीं है कि जगह तब्दील करेगा तो तेरे मजे हो जाएंगे, नहीं, जिंदगी बदलेगा तो तेरी जिंदगी बदलेगी, चाहे तू गुरबत में है, चाहे तू अमारत के अंदर है, चाहे तू वजीर है, चाहे तू महकूम है, चाहे तू दुकानदार है, चाहे तू कारखानेदार है, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो दुनिया की जिंदगी तेरी ऐसी बनाऊंगा, दुनिया की जिंदगी को तेरे लिए जन्नत का नमूना बनाऊंगा, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तू चलेगा तो तेरे लिए तमाम हालात और तमाम कामयाबी के नक्शे होने के बावजूद तुझे मुश्किल में डालूंगा। और मेरे अजीज दोस्तों, ये अजल से लेकर आज तक हो रहा है और आज से लेकर अब तक यही होगा। अब आप लोग यहां क्यों आए, कभी आपने सोचा भाई आप ग्लासगो क्यों आए, आप ग्लासगो क्यों आए, आप आए नहीं है, उखरिजत लिन्नास, हमने लोगों के नफे के लिए तुम्हें निकाला है, सारी इंसानियत, उखरिजत लिल मुस्लिमीन, नहीं, मुसलमानों के नफे के लिए आप नहीं आए यहां पर, उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के नफों के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया है। या अल्लाह, हमने क्या नफा पहुंचाना है उनको, तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुमने अच्छाई खुद करनी है और उनको अच्छाई करके दिखानी है, बुराई से खुद बचना है और बुराई से खुद बच के उनको करके दिखाना है। आप यहां इसलिए आए हुए, मैं कुरान बता रहा हूं आपको, व तुमिनून बिल्लाह, जब ये करोगे, जब तुम ऐसा करोगे फिर मेरी जात पे तुम्हारा ईमान बनेगा, वरना नहीं, तब तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे। ईमान नहीं हो, ईमान नहीं बनेगा तो हुक्मों पर नहीं चला जाता, फिर अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चल सकता आदमी। ईमान बनाए बगैर अल्लाह को अल्लाह तो जानेगा, लेकिन अल्लाह की जात के तासुर से दिल खाली रहेगा, अल्लाह की जात के तासुर से, जैसे अभी भाई कह रहे थे ना, दिल, अभी अमजद भाई क्या कह रहे थे, दिल अल्लाह का घर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं सारी कायनात में कहीं नहीं समा सका, समा सका हूं तो सिर्फ एक मोमिन के दिल में आके समा सकता हूं। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि जैसे मैं भाई के घर मेहमान आऊं, अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर मेरा इनका एक ताल्लुक है, तो ये क्या करेंगे, मेरे आने से दो तीन दिन पहले ही घर को साफ कर देंगे, घर साफ करेंगे, फिर जिस कमरे में मैंने रहना होगा उसका कोशिश करेंगे कि भाई या तो अगर उसमें अटैच बाथरूम है तो बाथरूम क्लीन किया जाए, फिर अगर बाथरूम करीब में, या अगर वहाँ अंदर नहीं है तो करीब में जो बाथरूम है उसको साफ किया जाए, घर की शीट्स बेड पे नहीं लगें, पर्दे साफ हों, कालीन साफ हो, भाई बच्चों को अब कमरे में नहीं छोड़ना, भाई खराब ना हो जाए, भाई कल आ रहे हैं, भाई जुनेद साहब कल आ रहे हैं यहाँ पर। ये क्या मतलब है इसका, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं, मेरे दिल में जरा सी भी खलिश आए कि यार ये मुझे किस कमरे में, या कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई नया मेहमान आ रहा हो तो जिस कमरे में उसको ठहराना है उस कमरे में बच्चे भी खेल रहे हैं, गंद भी हो रहा है, और जब आए तो बच्चों को कहा कि ऐसा करें ये बच्चे भी इधर ही खेलते रहेंगे, तुसी भी अपना सामान इतने ही रख दो किधरे, कभी किया हमने अपने मेहमान के साथ। तो दिल में हो अल्लाह के गैर की मोहब्बत, और हम कहें या अल्लाह तू भी आ जा इधर, ऐसा नहीं होता। एक हयादार औरत होती है ना, हयादार औरत, वो पहले अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत देखती है, वो पहले अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत देखती है, दूर से रहकर जब उसको नजर आ जाता है कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है, फिर करीब आके अपने शोहर के सीने से लगती है। लेकिन एक बेबाक औरत तो ये भी नहीं देखती कि ये शोहर है या कौन है, डायरेक्ट छलांग मारती है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और नेकी, मिसाल दे रहा हूं मैं,
मिसाल के तौर पर एक हयादार औरत की तरह होते हैं। वो पहले आपके दिल में अपनी जगह देखेगा, अल्लाह पहले आपके दिल में अपनी जगह देखते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर अल्लाह के गैर का ताफुन है, इसीलिए तो फिर नमाज में दिल नहीं लगता। अच्छा, फिर नमाज में दिल नहीं लगता, फिर थोड़ी देर बाद शैतान कहता है, भाई क्या यार टाइम वेस्ट कर रहा है यार, छोड़ कोई और काम कर। इधर उसने नमाज छुड़ाई, इधर शैतान ने नमाज छुड़ाई, इधर आप और मैं गए काम से, इधर नमाज गई, इधर हम गए, बस छुट्टी, अब फारिग। अब फुटबॉल की तरह शयातीन कभी लात इधर से उधर मारेंगे, कभी इधर से उधर मारेंगे, कभी इधर से उधर। बरकत भी गई, जिंदगी की बरकत गई, माल में बरकत गई। जो फजर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, उसके चेहरे से अल्लाह सुलहा का नूर निकाल देते हैं। जो जोहर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, उसके रिज्क से बरकत हटा दी जाती है। जो असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके जिस्म की ताकत को सलब कर लेते हैं, ये बीमार रहता है अंदर से, इसको बीमार रखते हैं। जो मगरिब की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा, उसको उसकी औलाद से कभी कोई नफा नहीं होगा, उसकी औलाद सारी जिंदगी उसकी नाफरमान रहेगी। जो ईशा की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा, उसको कभी राहत चैन की नींद नहीं आएगी। तो इसके अलावा मैंने दुनिया में करना क्या है? और यही पांच चीजें तो चाहिए मुझे दुनिया के अंदर।